हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार प्लानर। तो श्रेणी अष्टम बिले 6 मार्च 2022 रे तुम्हारो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अर्थात NAMMS एग्जामिनेशन होगा जाऊँ। तुम्हें निहत रूप जानते हो ये दुईट पेपर अच्छी, गोटे हूँ सेट पेपर आ गोटे हूँ मेट पेपर। सेट्र अर्थ हूँ स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मेट अर्थ हूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ए प्रकार दुईट पेपर को नहीं परीक्षा हे। सेट्रे हम 90 प्रश्न आसो, आउ मेट्रे 90 प्रश्न आसो। तुमको जदि दीर्जा को अर्थात NAMMS को जदि क्राक करियार अछि तबे इंडिविजुअल रूपे 60-60 अर्थात 120 प्लस स्कोर आनिबा को पड़िबो। आ भी तो पिला जो सेट पेपर अछि ए सेट सॉरी जो सेट पेपर अच्छे पे एथे मुख्य तीन टा सेक्शन आउछि। गोटे हूँ साइंस सेक्शन, तापर आउछि मैथ। साइंस रे आसिबो पिले 35 प्रश्न, मैथ रे आसिबो 20 और सोशल साइंस रे आसिबो 35। ए प्रकार किछि प्रश्नवली आसिबो। एही वीडियो रे आमे मैथ रे किछि इंपोर्टेंट प्रश्न देखिबा, स्पेशियली त्रिभुजर धर्म रिलेटेड पिले बहुत गुट प्रश्न तुम्हारे NAMMS स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन आसोची, तो तार आम इम्पोर्टाट मु 20 प्रश्न नहीं आसी। जब आम पारा तेज 20 प्रश्न यही गोटे पार्ट्रे आम सर कि दुई पार्ट्रे आम को सरपाई ट्राए करवा। तो देख, एक नंबर प्रश्न दे ट्राएंगल ABC रे AB इक्वल 4 सेमी हेले BC रु जो AC आम फेड़ा तार दर्घ्य आ भितर कौड़ हेबार पसबिलिटी अच्छी। तो देख, यहाँ हूँ गोटे मनकर ABC त्रिभुज जहाँ AB दर्घ्य दे 4 सेमी, यहाँ दे 4 सेमी। से पचार BC रु AC फेड़े के आमे जाने जे गोटे त्रिभुजर जेकोसी दुई बाहूर अंतर सब तृतीय बाहूर दर्घ्य ठारना आसो। कौन कहली गोटे त्रिभुजर जेकोसी दुई बाहूर अंतर अंतर बोले वियोगफल, जमीन जेठे BC फेड़ा AC दि जाइए। ये वियोगफलटा सब तृतीय बाहू, यठार तृतीय बाहू हूँ AB जोटे 4 सेमी देती आठ सब सान आस। जब सान आस तो देख, गोटे 4 सेमी, गोटे 5 सेमी, गोटे 6 सेमी, गोटे 3 सेमी। तो कौटा सान अच्छे 4 ठारू 3 ही सान अच्छे। तो यार आंसर आसो ऑप्शन डी 3 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दुई नंबर प्रश्न देला निम्नस्थ चित्र रे केतोटी त्रिभुज अच्छे। ये तो गोटे पिलाने त्रिभुज देती आ भितर आउ कि छोट छोट त्रिभुज अच्छे, टोटाल कतोटा त्रिभुज अच्छे एठार कालकुलेट कर बोली सी पचार। ओके, तो देख ऑप्शन कौन दे 16, 6, 7, 8 आ भितर कौट आंसर आसव। देख पिले आर तो आंसर मुझे कहीदे 16 आसव, किपर 16 आसो से तुम देख मुझे किसीटा त्रिभुज कहीदे। जमीक देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इमित छा होगा गोटे, यहाँ हूँ 7 पर देख, यहाँ हूँ गोटे 8, 9। ओके, इमित 10, तापर आउ कौन हो पार 11, 12 है। देख, ये 6, 8, 7 अच्छी 12 है। तो निहत रूपे यहाँ हम आ 4 किपर हे टे चिंता कर को प्रकार आउ कले हो पार। यहाँ देख ल 13 नहीं कि तापर 14 हो गला आउ दुईटा किपर हो पिला माने भाव, एटा तुम पिला माने भाव एटा आउ दुईटा भी हो पार कि तुम निजे चिंता कर। 3 नंबर क्वेश्चन देख, त्रिभुज ABC रे एंगल बी रो परिमाण एंगल सी रो परिमाण रो 2 गुण। तो पिला गोटे त्रिभुज ABC अच्छी, से त्रिभुज ABC रे एंगल बी रो परिमाणटा सी रो परिमाण 2 गुण, मीन से सीटा जदि एक्स है बीटा हम 2x, केत हम यहाँ हम 2x। यही त्रिभुजर एंगेल ए ठारे गोटे बहिस्थ कोण परिमाण, ए ठारे पिला गोटे बहिस्थ कोण अच्छी तार परिमाण देती के 114 डिग्री हेले त्रिभुजटर बृहत्तम कोण परिमाण के। देख, यहाँ जब 114 देला निहत रूपे आम जानसे यहाँ कोणर समष्टि हूँ ये कोण, कहीं यहाँ हूँ बहिस्थ कोण, यहाँ हूँ अंतस्थ ध्रुवती कोण, अर्थात 2x + x = 114। तो आम कहीपर जे 2x + x = 114, 2xx मिसले 3x, 3x = 114, x =
114 बाई 3 तो केत आसिबो ना 3 3 की 9 3 8 24 एक्स आसला पले माने 38 डिग्री ओके तो सेडे गोटे एक्स थिला जोडे की एंगल सी थिला एंगल सी डा थिला एक्स जोडे की आसला 38 डिग्री एंगल बी डा के थिला ना 2x 2x बोले 2 गुणन 38 38 गुणे केत आसिबो 76 डिग्री आसिबो गोटे 38 डिग्री आउट होची 76 डिग्री आरडा केत आसिबो ना इदरा मिसे दियो आ फेर दियो सेथरु तो 73 114 आसला ना कि गोटे 114 आरडा आसे 180 114 फेर दबो एडे 6 एडा आसे 6 गोटे 66 अथवा गोटे 76 गोटे 66 आउट होची 38 सबुठ बड़ कोण कोड़ा अटे एंगल बी अटे जोटा कि 76 डिग्री हो ना कि 76 डिग्री मीनस ऑप्शन ए हम यहाँ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी रे एसी इक्वल टू बीसी गोटे त्रिभुज अच्छे पे मैंने जो थे एबीसी त्रिभुज एसी इक्वल टू बीसी कही एसी इक्वल टू बीसी मीनस ये बाहुदर्घ्य सामान ए बाहुदर्घ्य सामान बहिस्थ एसीपी एसीपी यहाँ हो पाने बहिस्थ कोण देख एदिरा बाहु जब सामान पे मैंने तो अटोमेटिक एदिरा कोण मत सामान आसो यहाँ बहिस्थ कही बहिस्थ कोण परिमाण देखिए 160 आम जाने जो गोटे त्रिभुज बहिस्थ कोण परिमाण यार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वर समस्त सहित सामान यहाँ जो 160 आसला तो आम कहीपर जे एंगेल ए एंगेल बी के आसो एंगेल ए रे एंगेल बी जितना मिसेवा यहाँ भी आसो 160 डिग्री कितु सी कहे एंगेल ए जहाँ एंगेल बी ता अर्थात मुझे एंगेल बी जगह एंगेल ए मत लिखिपरि 160 एंगेल ए एंगेल ए के आसो ना 2 एंगेल ए इक्वल 160 खाली एंगेल ए इक्वल के आसो ना 80 आसो एंगेल ए जदि 80 आसला तो एंगेल बी मत 80 आसो नहीं कि तो सी पचार एंगेल बी रिमाण के आसो ना 80 आसो तो ऑप्शन बी हम आम राइट आंसर 5 नंबर प्रश्न देख कौन दे त्रिभुज पी क्यू आर एंगेल आर अपेक्षा क्यू कोण 10 डिग्री अधिका आउ क्यू ठारु एंगेल पी 10 डिग्री अधिका हेले क्षुद्रतर कोणर परिमाण केते बुझिपार से कहला जे क्यू आर अपेक्षा क्यू कोण 10 अधिका मीनस मनकर जदि आम ने गोटे त्रिभुज नेबा देख एटाला से त्रिभुज पी क्यू आर से कहला जे एम ऑफ एंगल आर अपेक्षा क्यू 10 डिग्री अधिका अर्थात आर कोणटा जी थी ता अपेक्षा क्यू कोणटा 10 डिग्री अधिका मीनस जदि यहाँ एक्स है क्यू कोणटा आस पे मैंने एक्स प्लस 10 के आसो एक्स प्लस 10 तापर से कहले एंगल पी डा ओके एम ऑफ एंगल क्यू ठारु एंगल पी 10 अधिक मीनस पी कोणटा क्यू ठार 10 अधिक तो क्यूटा अच्छे एक्स प्लस 10 तो यहाँ आसो के एक्स प्लस 20 आसो किंतु तीन जा कोण मिसले के तीन जा कोण मिसले हो पे 160 डिग्री अर्थात मुझेपरि जे एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 10 आउ एक्स ओके तीनटार समष्टि आसो 180 कहीदेल बोले भूल होगा त्रिभुज तीन कोण समष्टि 180 ना तो एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 10 आउ एक्स को मिस तो देख ये तीन टा एक्स अच्छी तो मिसले 3x पल आसो तापर एटे 20 एटे 10 20 10 के 30 तो 3x प्लस 30 इक्वल टू 180 तो खाली 3x के आसो ये 30 आसे पड़ जा तो 180 रु 30 फेड़ा हाला आसो के 150 आसला तो 3x इक्वल टू 150 तो x इक्वल के आसो ना 150 बाई 3 आसला पे 50 आसला एक्स आसला 50 एक्स 50 अर्थ हो एंगेल आर हो 50 जदि एंगेल आर 50 एंगेल क्यू के आसे ना 10 अधिक ये आस 60 ये आसो 70 तो 50 60 70 हो नहीं कि एंगेल आर आसला 50 एंगेल क्यू आसला 60 और एंगेल पी आसला आमर 70 तो सी पचार क्षुद्रतम कोण प्रण के क्षुद्रतम कोण हो 50 जोटा कि एंगेल आर थी ना कि ऑप्शन सी आसवा आमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी रे एंगेल ए इक्वल टू एंगेल बी प्लस एंगेल सी हेले एंगेल ए के मन देख पे मैंने एंगेल बी आउ सी मिसिकी जहाँ एंगेल ए ता कह गले गोटे त्रिभुजर तीन टा कोणर समष्टि अवश्य केत डिग्री गोटे त्रिभुजर तीन टा कोणर समष्टि 180 डिग्री किंतु से कहला जे बी आउ सी को मिसेले जहाँ एंगेल ए सहित ता अर्थात निहत रूपए 180 को दुई भाग कराब
एपट भाग दिया हे 90 एपट भाग दिया हे 90 बोले 90 90 आसो मीन एंगेल एटा 90 एंगेल बी आउ सी मिसिक 90 तो सी आम पचास एम एफ एंगेल ए के हम ना निहत रूपए 90 ही हम ऑप्शन डी हम आम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वस्त चित्र रे ट्रायंगल ए बी सी रो गोटे बहिस्थ कोण होची 100 डिग्री ए बी डी जोड़े कि 100 डिग्री आउ एंगेल ए देला एक्स डिग्री एंगेल सी देला 35 डिग्री हेले एक्स रो मान केते आमे जानिचे जे आमे कोन जानचे जे गोटे बहिस्थ कोण रो परिमाण यार अंतस्थ रूपते कोण दर समष्टि सहित समान यदिटा 100 डिग्री है तो यदिटा कोण मिसिकी हे 100 तो गोटे 35 देसी आटा केते हबो तो निहत रूप में 100 रु 35 माइनस करदे फेट दे 10 रु 5 गले 5 9 3 गले 6 आसला के 65 तो एक्स रैल्यू आसो 65 डिग्री तो देख 65 डिग्री कौटे देख ऑप्शन ए देती ऑप्शन ए हम पिला माने राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल एबीसी रो एंगल ए रो परिमाण एंगल बी रो परिमाण रो दुई गुण। ओके ट्रायंगल जो एबीसी अच्छे पिला माने जो ट्रायंगल एबीसी अच्छी यार एंगल ए रो परिमाणटा बी रो परिमाण रो दुई गुण एवं सी रो परिमाण एंगल ए रो तीन गुण मीन्स एंगल बी को जो पे एक्स नवा एंगल ए आसो 2x क्या सी कही एंगल ए रो परिमाण बी रो दुई गुण अत एक्स बीटा जब एक्स गुण एक्स एक्स डिग्री है तो यहाँ आसो 2x आउ सी रो परिमाण कौन कही ए रन गुण ए देला 2x तो सी हम के ना 2x को जो तीन दे गुणी आस 6x अर्थात आसा के 6x आस तो एंगल सी के मीनस यही एंगल सी रिमाण के जोटा कि 6x पचार तो यहाँ 6x नहीं कि 2x एक्स ये तीन मिसले के आसो 6 2 8 8 एक 9 अर्थात 9x इक्वल टू 180 खाली एक्स के आसो ना 180 हरण 9 इक्वल टू 20 डिग्री आसो एक्स आसला 20 डिग्री कि पचार 6x के 6x बोले 6 × 20 = 120 डिग्री आसो। ओके तो सी एंगल सी रण के आसो ऑप्शन बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए रो परिमाण बी रो परिमाण तीन गुण से प्रकार ही किसी प्रश्न ट्रायंगल एबीसी रे एंगल ए रो परिमाण एंगल बी रो परिमाण तीन गुण एटा जदि एक्स हैला एटा हबो 3x आ एंगल सी रो परिमाणटा बी रो दुई गुण बी होउछि एक्स तो एटा हबो 2x एटा 3x एटा एक्स एटा 2x एटा केते ए मीन्स 3x पचाछि तो देखो 3x 2x 5x 5x x 6x तो 6x इक्वल टू 180 खाली एक्स के आसो ना 180 बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री एक्स आसला 30 डिग्री सी आमको पचार एंगेल ए के एंगेल एटा हूँ 3x तो 3x बोले के आसो ना 3 गुण न एक्स आसला 30 तो 30 के आसो 90 डिग्री आसो तो ऑप्शन सी हम पिला माने राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 10 नंबर प्रश्न देला गोटे त्रिभुजर दुईट बाहू मिसी तृतीय बाहू सह सामान हेले त्रिभुज अंकन संभव कि गोटे त्रिभुजर दुई बाहू मिसी तृतीय बाहू सह जदि सामान केबे मद त्रिभुज अंकन संभव ना कहीं आम जाने जे गोटे त्रिभुजर धर्म कौन अटे ना जेकोसी दुई बाहूर समष्टि जेकोसी दुई बाहूर समष्टि सबुले तृतीय बाहू ठार अधिक हो पड़ो अर्थात ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन एसी किंवा ए बी प्लस एसी इज ग्रेटर देन बी सी किंवा बी सी प्लस एसी इज ग्रेटर देन ए बी एटा हूँ नियम तो सामान हेले केबे मध्ये हबो नै तो अर्थ हाँ ना ना आंसर आसो ना हो अंकन केबे संभव नाही बोली ही आमर आंसरटा आसो तो पे मैंने पार्ट रेक था अनेक पार्ट्रे आम 11 नंबर प्रश्न आरंभ कर अप टू 20 नंबर प्रश्न पर्यटन आम आलोचना करवा तो पे भिडियो किपरी लगे निहत भी समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जदि किसी डाउट अच्छे तेज निहत कमेंट सेक्शन पचारिपर आदि भल लगी लाइक कर निजर समस्त फ्रेंड्स मान सेयर कर और जो मैंने पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब करें ये प्रकार कंटेंट पाया सब्सक्राइब कर दियो या सहित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी से क्लिक कर जॉइन हुआ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दियो। ओके पे तुम्हें पुणी देखा यही एक सुंदर वीडियो से पर्यटन धन्यवाद।